मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दिव्यांग बेटी ने लिया जन्म तो पति ने महिला को छोड़ के कर ली दूसरी शादी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कभी कभार भगवान की दी हुई जो सौगात होती है इन इंसानों को पता नहीं चलता कि ये कितनी बड़ी सौगात होती है। काफी सारे लोग एक्चुअली में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं कुछ ऐसी चीजों के चलते हुए जो कि एक्चुअली में एकदम सरासर गलत है। उन लोगों से जाके पूछना चाहिए जिनके पास बच्चे नहीं होते, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, कि उनको एक्चुअली में इसका क्या दर्द है। और जब भगवान ऐसे लोगों को ये सौगात देता है उसके बाद वो लोग इसे सौगात को लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसीलिए हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जो कि आपका दिल छू जाएगा और आपके दिल को पसीस देगा। ये जो पूरा मामला बिहार के छपरा जिले से आ रहा है, जहां पर 26 साल की महिला की शादी जो है अप्रैल 2016 में हुई थी, और कुछ सालों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक बेटा था, और बेटा आंखों से अंधा था, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसको बाहर निकाल दिया और वो अपने पिता के घर पे चली गई। और पिता के घर पे 5 महीने रही, और रहने के बाद उसको पता चला कि उसके पति की दूसरी शादी करवा दी गई है। इस सब चीजों को लेके वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई 4 लोगों के खिलाफ, अपने सास ससुर और अपने पति और उसकी बहन के खिलाफ। बताया जा रहा है कि सास ससुर और उसकी बहन ने उसको मजबूर किया उसके पति को कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसका जो बेटा है जो कि पैदा हुआ है वो एक्चुअली में आंखों से अंधा है और वो पैदाइशी अंधा है। और उसका पति का कहना ये है कि ऐसा बच्चा मेरा हो नहीं सकता। महिला का कहना ये है कि मैं डीएनए रिपोर्ट भी, मैं एक्चुअली में डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, पर मेरा पति जो है मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस वक्त कहाँ पर जाऊँ, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पर ये जो महिला है वो इंसाफ मांग रही है, लगातार जो है पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है। तो अभी आप बताइए कि इस महिला को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को एक्चुअली में अपने पिता से अलग करके क्या खुद ही अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, या एक्चुअली में इनके ऊपर केस करके अपने बच्चे को और अपने पति अपने अपने आप को वो जगह वो स्थान दिलाना चाहिए जो कि उसका हक है। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।